नमस्कार, मैं शुभम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विदिशा के गंजा बसौदा से आ रही है, जहां सेंट जोसेफ स्कूल में धर्मांतरण के मामले को लेकर नागरिकों का स्कूल पर गुस्सा फूटा है। आपको बता दें, मामले को गंभीरता को देखते हुए एसपी कलेक्टर मौके पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय चर्च सेंट जोसेफ भारत माता कॉन्वेंट स्कूल में पुलिस बल लगाया गया है। आपको बता दें, शहर के सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदू संगठन के कुछ गुस्साए लोगों के द्वारा स्कूल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया गया है। गुस्साए लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। बता दें कि पिछले दिनों सेंट जोसेफ स्कूल के 8 बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। लगातार पिछले दिनों ज्ञापन दिए जा रहे हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी शहर के स्थानीय चर्च भारत माता कॉन्वेंट स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल में तैनात कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर में एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच गए हैं। मामले में एसपी मोनिका शुक्ला ने बताया कि जो भी कार्रवाई होगी वह वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जांच में लिया गया है। विगत दिनों सोशल मीडिया पर एक मिशनरी स्कूल में बच्चों के धर्मांतरण कराने की चर्चा हो रही थी। गंजवा सौदा में स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के नाम सोशल मीडिया पर धर्मांतरण को लेकर चर्चाओं में था। सोशल मीडिया पर एक फोटो भी पोस्ट की गई थी, जिसमें बच्चों के ऊपर जल छिड़क कर उन्हें ईसाई बनाकर उनका धर्मांतरण करने की बात कही जा रही थी। घटना के बाद गंज बसौदा के अन्य मिशनरी स्कूल एवं चर्च पर सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। घटना के बाद स्कूल प्रबंधक ने पुलिस एवं प्रशासन पर आरोप लगाया है कि स्कूल के घेराव की पूर्व सूचना के बाद भी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं किया गया। हम आपको बता दें कि जिस समय पथराव किया जा रहा था, उस समय सेंट जोसेफ स्कूल के अंदर 12वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। करीब 14 बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे वह स्कूल के अंदर ही थे। तोड़फोड़ के समय बच्चे डर गए, साथ ही स्कूल का स्टाफ स्कूल में मौजूद था। प्रशासन की जानकारी के उपरांत भी एवं पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की तोड़फोड़ कहीं ना कहीं पुलिस एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में किसी भी तरह से बच्चों के धर्मांतरण वाली बात को एक सिरे से नकार दिया। बजरंग दल ने भी धर्मांतरण के मामले में जांच करते हुए धर्मांतरण करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग के साथ ही सेंट जोसेफ स्कूल की जमीन के बारे में भी सवाल उठाए हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के सवाल पर गोलमाल जवाब दिया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। थी और यहाँ बल लगाया गया है और अभी सब बच्चे सुरक्षित हैं। कोई यहाँ कोई नंस भी यहाँ मेरे पीछे खड़ी हुई है, जो देखिए आप ये लेफ्ट हैंड पे, ये सब स्वस्थ महसूस कर रही हैं। इनके सामने टीआई एक सेट टीआई मौजूद है इनका ही। ओके, आपको पहले कह दिया गया, हमारी तरफ से पर्याप्त पुलिस व्यवस्था के इंतजाम थे और उनको रोकने की कोशिश भी की है और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। स्कूल प्रबंधन का आरोप है कि पुलिस विभाग माननीय कलेक्टर महोदय को कल रात को सूचना दी गई, इसके बाद